वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूं, हाउ टू चेंज अकाउंट नंबर इन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जी हां दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोस हैं सब पर सिर्फ एक ही कमेंट्स आ रही है, हाउ टू चेंज अकाउंट नंबर, हाउ टू चेंज अकाउंट नंबर, हाउ टू चेंज अकाउंट नंबर। इसका कोई भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, अकाउंट नंबर किस तरह से चेंज करेंगे। उसका रीज़न यही था कि अकाउंट नंबर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे बचने के मेरे पास दो तरीके हैं। किस तरह से आप अकाउंट नंबर अगर आपका मिस्टेक में गलत हो जाता है तो आप किस तरीके से उसको सही कर पाएंगे, उसका मेरे पास पूरा उपाय है। बहुत ही आसानी के साथ आप अकाउंट नंबर को चेंज कर सकते हैं और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना होगा और बिल्कुल कंसंट्रेशन मेरा वीडियो पर ही रखना होगा और जो जो एक एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो सारे वर्डों को ठीक से सुनना होगा। देखिए, इसमें जो स्कॉलरशिप में दो वेराइटी हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा, तो इसको तो ख़त्म कर दीजिए आप। अब बात आती है फ्रेश की और रिन्यूअल की। सबसे पहले बात करते हैं हम रिन्यूअल की। रिन्यूअल में आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया है। रिन्यूअल में अकाउंट नंबर किस तरह से गलत होता है, सपोज़ कीजिए लास्ट ईयर भी आपका अकाउंट नंबर गलत था और इस ईयर भी आपका अकाउंट नंबर गलत है। सपोज़ कीजिए लास्ट ईयर आपने जो अकाउंट नंबर लगाया था वो अकाउंट नंबर आपका बंद हो चुका है और वो ओपन नहीं हो रहा। सपोज़ कीजिए जो अकाउंट नंबर आपने लास्ट में लगाया था उसकी पासबुक आपके पास नहीं है और वहाँ पर भी मतलब कोई भी मतलब आपके एक्सेस में नहीं है वो अकाउंट, तो उसको चेंज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका है। अगर फाइनल सबमिट हो गया है तो भी, अगर नहीं हुआ है तो भी, दोनों में सेम है। अगर सबमिट हो भी गया है तो भी ये ठीक हो जाएगा। आप अपने पुराने फॉर्म को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें विड्रॉ एप्लीकेशन का ऑप्शन है, विड्रॉ एप्लीकेशन को उससे क्लिक करके वहाँ पर रीज़न लिख दें, आई वॉन्ट टू चेंज माई इंस्टीट्यूट, और आप फॉर्म को विड्रॉ कर दें। विड्रॉ करने के बाद आप नया रजिस्ट्रेशन कीजिए और नया फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 5 दिन है पूरे डेट ख़त्म होने में। तो ये तो हो गया आपका रिन्यूअल का, बहुत ही आसानी से आप अकाउंट नंबर चेंज कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम फ्रेश की। देखिए दोस्तों, फ्रेश का सबसे ज़्यादा टिपिकल है मामला। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो अकाउंट नंबर है और आधार नंबर है ये सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के फॉर्म में यूज़ हो सकता है। अगर आपका एक स्कॉलरशिप फॉर्म में आपका अकाउंट नंबर लग गया तो वो दूसरे फॉर्म में आपका अकाउंट नंबर नहीं लग सकता। सेम कंडीशन आधार कार्ड की होती है। आधार कार्ड अगर आपके एक उसमें एप्लीकेशन में लग गया, एक फॉर्म में लग गया आपका आधार, तो दूसरे उससे फॉर्म नहीं भरा जा सकता दोस्तों। तो अब इस केस में क्या करना है, सबसे पहले सपोज़ कीजिए फ्रेश फॉर्म भरा आपने, रजिस्ट्रेशन किया और उसमें आपकी एक डिजिट अकाउंट नंबर की गलत हो गई और अकाउंट नंबर आपका गलत हो गया। आपने फाइनल सबमिट कर दिया और फाइनल सबमिट करने के बाद जब आपने प्रिंट आउट निकाला तो वहाँ पर देखा तो अकाउंट नंबर गलत था। अब अकाउंट नंबर को किस तरह से आप सही कर पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्कूल की आईडी से डिफेक्टिव भी कराते हैं तो उसमें भी आपको अकाउंट नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अकाउंट नंबर आपका चेंज नहीं हो सकता। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे अपडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी अकाउंट नंबर चेंज नहीं हो सकता। अब आपने क्या हुआ, आपका अकाउंट नंबर सेफ रखा हुआ है, वो यूज़ नहीं हुआ क्योंकि उसकी डिजिट तो चेंज हो गई, तो आपका अकाउंट नंबर सेफ है, उससे हम दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। अब बताती है आधार कार्ड की। आधार कार्ड आपका उस फॉर्म में लग चुका है और आधार कार्ड से आप अब कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आधार की जो स्लिप है वो निकालनी है, एनरोलमेंट स्लिप जो होती है जिसपे एनरोलमेंट नंबर होता है और डेट एंड टाइम होता है। तो आप अपनी एनरोलमेंट स्लिप निकालिए, ठीक है, और अपना अकाउंट नंबर लीजिए। अकाउंट नंबर तो कहीं लगा ही नहीं है, आधार लगाए तो आधार नंबर आप डालें ही नहीं, तो आप जो है उसमें एनरोलमेंट नंबर है वो डालें, उससे आप फॉर्म भरें। अब एनरोलमेंट नंबर से यानी आधार की स्लिप से किस तरह से फॉर्म भरते हैं उसके लिए मेरा वीडियो बन चुका है, आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं उस वीडियो को कि आधार कार्ड की स्लिप से किस तरह से हम नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। तो इसमें क्या हुआ, अब आधार की स्लिप से आपने नया फॉर्म भर दिया, ठीक है। आप नया फॉर्म भरने के बाद या भरने से पहले, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉलेज जाकर आपका जो पहले वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म था जिसमें अकाउंट नंबर गलत हो गया उसको परमानेंटली आप रिजेक्ट करवा दें, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो दोनों एप्लीकेशन आपकी पहुंच गई, ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक बंदे को दो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तो आप उसको सबसे पहले रिजेक्ट कराइए, उसके बाद आधार की स्लिप से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये प्रोसेस हैं दोनों, इसमें मैंने रिन्यूअल भी बता दिया आपको, फ्रेश भी बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो डिटेल्स होती है, कुछ भी डिटेल्स अगर आपको एडिट करनी है तो वो आप स्कूल से डिफेक्टिव करा के फॉर्म को आप अपने पोर्टल पे दोबारा से खोल सकते हैं, उसका भी मेरा वीडियो बन चुका है। तो लेकिन अकाउंट नंबर का इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो अकाउंट नंबर के जो ये दो आइडिया मैंने आपको बताए हैं ये एकदम बेहतरीन आइडिया है और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है।
ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा और आप आसानी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो रेड सर्किल में आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया अपडेट लेकर आता हूँ, कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी टेक्निकल आप कोई भी टेक्निकल कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ या कुछ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो उसका वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के द्वारा मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।